आज मैं आपके साथ एक बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रहा हूँ जिसका नाम है पनीर बटर मसाला। और कसम से कह रहा हूँ कि ये पनीर बटर मसाला रेस्टोरेंट वाले पनीर बटर मसाला से भी काफ़ी बेहतर बनेगा, तो एक बार आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इस पनीर बटर मसाला को बनाने के लिए पहले हमें यहाँ पर एक हांडी या फिर कढ़ाई लेनी है। मैंने यहाँ पर ये मिट्टी की हांडी का इस्तेमाल किया हुआ है। तो इस हांडी के अंदर पहले हम प्याज ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर ये 3 प्याज लिए हुए हैं जिसको मैंने इस तरह से रफली चॉप कर लिया है। अब इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 2 टमाटर। टमाटर को भी हमें इसी तरह से बड़ा बड़ा रफली चॉप करके ऐड कर लेना है। फिर इसमें जाएगा 1/4 कप काजू यानी कि कैश्यू नट्स। काजू का इस्तेमाल करने से हमारी ये ग्रेवी काफ़ी रिच और थिक बनेगी। काजू की जगह पर आप चाहो तो खरबूजे के बीज यानी कि मेलन सीड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 सूखी लाल मिर्च। फिर हम इसमें तकरीबन 2 ग्लास पानी ऐड करेंगे और इसको हमें हाई फ्लेम पर तब तक पकाना है जब तक सारी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाती। चलिए, जब तक ये सारी चीज़ें अच्छे से कुक हो रही है तब तक फटाफट से आप मुझे कमेंट्स में ये लिखकर बताइए कि आप इस वीडियो को कौन से शहर से देख रहे हैं और आपको ये पनीर बटर मसाला के अलावा और कौन सी सब्जियों की रेसिपीज़ देखनी है, ये भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपके साथ बहुत सारी रेसिपीज़ जल्द से जल्द शेयर कर सकूँ। आप चाहो तो उनको ढक कर भी पका सकते हो ताकि सारी चीज़ें फटाफट से कुक हो जाए। चलिए, तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुकी है और जिसके आप देख पा रहे हो कि टमाटर और प्याज दोनों एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो बस आप यहाँ पर गैस को बंद कर लीजिए और इसको आपको पूरी तरीके से ठंडा कर लेना है। आप चाहो तो इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर सकते हो ताकि फटाफट से ठंडा हो जाए। अभी जो साइड पर थोड़ा सा पानी बचा हुआ है इसको आपको फेंकना नहीं है, इस पानी को हम बाद में ब्लेंड करते समय पर यूज़ कर लेंगे। अब इस प्याज और टमाटर को हम पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे और जब तक ये ठंडा होता है तब तक हमें यहाँ पर पनीर लेना है। मैंने यहाँ पर ये 200 ग्राम पनीर का इस्तेमाल किया हुआ है और इस पनीर को हम इस तरह से क्यूब्स में कट करेंगे। अगर आपको ये जानना हो कि घर पर एकदम ही सुपर सॉफ्ट पनीर कैसे बनाया जाता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसके वीडियो के लिंक आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगा। चलिए, पनीर को मैंने कट कर लिया है। तब हम क्या करेंगे कि इस पनीर के क्यूब्स को हम एक बोल के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 से 2 चुटकी जितना नमक और फिर हम इसमें हल्का सा गुनगुना पानी ऐड करेंगे और इस पनीर को इस पानी के अंदर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। ऐसा करने से ये जो पनीर है ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा। जब प्याज और टमाटर अच्छे ठंडे हो जाए उसी के बाद हम इसको एक मिक्सर जार के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। फिर जो हांडी में थोड़ा सा पानी बचा हुआ था वो भी हम इसी टाइम पर इसमें ऐड कर लेंगे और बस फिर हमें इन सभी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड करके इसकी एकदम ही स्मूथ प्यूरी बनाकर रेडी करनी है। चलिए, जिसके आप देख पा रहे हो कि ये जो प्यूरी है ये बनकर रेडी हो चुकी है और ये इस तरह से एकदम ही स्मूथ होनी चाहिए। अब उसी हांडी के अंदर हम ऐड करेंगे तकरीबन 2 बड़ी चम्मच जितना बटर। अब हम पनीर बटर मसाला बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बटर तो ज़्यादा लगेगा ही, तो अभी फ़िलहाल हमने यहाँ पर सिर्फ 2 बड़ी चम्मच बटर का इस्तेमाल किया है, लेकिन आखिर में भी हम 1 से 2 बड़ी चम्मच बटर का इस्तेमाल और करने वाले हैं। बटर के साथ साथ हम इसमें 1 से 2 बड़ी चम्मच तेल भी ऐड करेंगे ताकि ये जो बटर है ये जल ना जाए। अब इस बटर को और तेल को आप अच्छे से गर्म कर लीजिए और जब तेल और बटर अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा। इस जीरा को हम अच्छे से चटकने देंगे। जब जीरा में से अच्छे से खुशबू आना शुरू हो जाए उसी के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। अच्छा, आप में से कौन कौन इंटरेस्टेड है ये देखने के लिए कि आप जिंजर गार्लिक पेस्ट को घर पर बड़े ही सिंपल तरीके से कैसे बना सकते हो और उसको आराम से 5 से 6 महीनों के लिए स्टोर करके भी रख सकते हो। अगर आपको इसकी रेसिपी जाननी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं वो भी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अब इस जिंजर गार्लिक पेस्ट को हमें मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 1 मिनट के लिए भूनना है ताकि इसका जो कच्चा फ्लेवर है वो चला जाए। चलिए, जिंजर गार्लिक पेस्ट को भुने हुए तकरीबन 1 मिनट हो चुकी है तो यहाँ पर आप गैस को स्लो कर लीजिए और गैस को स्लो करने के बाद ही हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 छोटी चम्मच जितनी हल्दी। अगर इस समय पर आपका जो गैस का फ्लेम है वो मीडियम या फिर हाई पर होगा तो ये जो मसाला है ये जल सकता है, तो इसलिए यहाँ पर गैस को स्लो पर ही रखिएगा। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर। आप चाहो तो यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो ताकि इस ग्रेवी में एक बहुत ही बढ़िया सा कलर आ सके। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच जितना धनिया जीरा पाउडर यानी कि कोरिएंडर क्यूमिन पाउडर और बस इन सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे और इसे स्लो फ्लेम पर सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाएंगे। अगर इन मसालों को पकाते समय पर आपको लग रहा है कि ये जल रहे हैं तो आप इसे थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा ताकि जो मसाले हैं वो जले नहीं। चलिए, मसाले अच्छे कुक हो चुके हैं तो अब जो हमने प्याज और टमाटर की प्यूरी बनाकर रेडी की हुई थी वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे, लेकिन इस प्यूरी को हम ऐसे ही ऐड नहीं करेंगे, इस प्यूरी को हम इसमें छान कर ऐड करेंगे। सारे रेस्टोरेंट्स में प्यूरी को हमेशा छान कर ही इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो ग्रेवी है वो एकदम ही स्मूथ और सिल्की बन सके, तो ये स्टेप आप भी ज़रूर करिएगा।
एक बार आप इस तरीके से पनीर बटर मसाला बनाओगे ना, तो कसम से कह रहा हूँ आपके घर वाले आपकी तारीफ करना नहीं थकेंगे और फिर आप हमेशा इसी तरीके से पनीर बटर मसाला बनाओगे। अगर यहाँ तक आपने इस वीडियो को देख लिया है और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़कर मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। चलिए, इस प्यूरी को मैंने अच्छे से छान लिया है, तो अब इन मसालों को और इस प्यूरी को हम एक बार मिक्स कर लेंगे। अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस ग्रेवी को बनाने की, और वो ये है कि हमें इस ग्रेवी को स्लो फ्लेम पर तकरीबन आधे घंटे के लिए पकाना है। अक्सर हम यही गलती कर देते हैं कि जल्दबाजी में हम इस ग्रेवी को हाई या फिर मीडियम फ्लेम पर रख कर इसे 5 से 10 मिनट के लिए पका लेते हैं और ये सोचते हैं कि ये ग्रेवी कुक हो चुकी है, लेकिन फिर जब हम इसको टेस्ट करते हैं तो हमें टमाटर का वो कच्चापन महसूस होता है। तो ऐसा ना हो इसलिए हमें इस ग्रेवी को स्लो फ्लेम पर आराम से 20 से 30 मिनट के लिए पकाना है। अभी तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये ग्रेवी काफ़ी क्वांटिटी में है और ये काफ़ी लिक्विडी भी है, लेकिन जब ये ग्रेवी पूरी तरीके से कुक हो जाएगी तो इसमें से काफ़ी बढ़िया सा तेल भी छूटेगा, ये ग्रेवी की जो क्वांटिटी है ये भी कम हो जाएगी और जो ग्रेवी का टेक्सचर है वो भी पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। आप चाहो तो इस ग्रेवी को ढक कर भी पका सकते हो ताकि इसके जो छींटे हैं वो बाहर ना गिरे, लेकिन बीच बीच में आप इसको चलाते भी रहेगा ताकि ये ग्रेवी नीचे से जल ना जाए। चलिए, इस ग्रेवी को पकाया तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इसकी जो क्वांटिटी है ये भी काफ़ी कम हो चुकी है, साइड से बढ़िया सा तेल भी छूटना शुरू हो चुका है और जब आप इस ग्रेवी को घुमाओगे तो ये काफ़ी स्मूथली घूमने लगेगी, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि इस ग्रेवी ने इस हांडी को पूरी तरीके से छोड़ दिया है। तो बस ग्रेवी रेडी हो चुकी है, तब हम इसमें ऐड करेंगे 2 ग्लास इतना पानी। तो मैंने जिस मिक्सर जार को साफ़ करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया था वही पानी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर फ्रेश पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब बस इन सारी चीज़ों को हमें एक बार मिक्स कर लेना है। अब जो पनीर के क्यूब्स हमने काट कर रखे हुए थे वो हम इसमें ऐड करेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटी चम्मच जितना गरम मसाला। ये जो गरम मसाला है इसको मैंने घर पर बनाया हुआ है और इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की हुई है। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो आप मुझे कमेंट से ज़रूर लिख कर बताइएगा, मैं उसके वीडियो के लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगा। फिर इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच कसूरी मेथी। इस कसूरी मेथी को हम इसमें क्रश करके ऐड करेंगे। कसूरी मेथी का बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है इस सब्ज़ी के अंदर, तो इसका ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। अब इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। बस एक बात का यहाँ पर ध्यान रखें कि आपको बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि जो बटर होता है उसमें भी नमक होता है। अब बस इन सारी चीज़ों को हम एक बार मिक्स कर लेना है। अब इसको एक आखिरी बार ढक कर हम इसे मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि जो पनीर है एकदम ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। चलिए, तकरीबन 2 मिनट हो चुकी है, तो अब सबसे आखिर में हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़ी चम्मच जितनी क्रीम। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच जितना बटर। हमने यहाँ पर बटर का इस्तेमाल आखिर में इसलिए किया हुआ है ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर तो आएगा ही, साथ ही साथ इस ग्रेवी के अंदर एक बहुत ही बढ़िया सी शाइन भी आएगी। अब बस सबसे आखिर में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा धनिया और बस फिर इन सारी चीज़ों को हम एक बार मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, ये हमारा एकदम ही लजीज पनीर बटर मसाला बनकर रेडी हो चुका है। बनाने में एकदम सिंपल था और खाने में ये रेस्टोरेंट से भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर बना हुआ है। जिसके आप देख पा रहे हो कि इसकी ये जो ग्रेवी है ये भी काफ़ी स्मूथ और सिल्की बनी हुई है। तो आइए अब हम इस पनीर बटर मसाला को सर्व कर लेते हैं। इस पनीर बटर मसाला को आप फुल्का रोटी, तंदूरी रोटी, रुमाली रोटी या नान के साथ भी सर्व कर सकते हो। तो अगर आपको ये जानना हो कि घर पर रुमाली रोटी या नान वगैरह कैसे बनाई जाती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं वो भी रेसिपीज़ आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। तो कैसी लगी आपको ये पनीर बटर मसाला की रेसिपी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें।